मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। और एक सबसे बड़ा कारण है चीनी नहीं खाने का कि ये चीनी बनती है चीनी मिलों में, शुगर मिल, और सारी भारत की शुगर मिल भारत के सबसे बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की। भारत की राजनीति में जो सबसे ज्यादा बेईमान हरामी और लालची नेता हैं, उन्हीं की चीनी मिले हैं पूरे देश। आप अगर घूमो पूरे भारत में तो सबसे ज्यादा चीनी मिले महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बेईमान और हरामी नेता उनके मालिक हैं चीनी मिल। फिर कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, सारे बेईमान नेताओं की राजनीति इन्हीं चीनी मिलों से चलती है। इसका मतलब है कि जब भी आप चीनी खरीदोगे तो उसका पैसा किसी न किसी बेईमान और भ्रष्ट नेता की जेब में ही जाएगा। इसका माने आप चीनी खरीदकर बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की ताकत बढ़ा रहे हैं, और फिर आप भ्रष्टाचार खत्म कैसे करोगे इस देश का? इसलिए ये चीनी खाना तुरंत बंद कर दो। फिर क्या खाओ? गुड़ खाओ। गुड़ बनाते हैं हमारे देश के गरीब किसान। अगर आप गुड़ खा रहे हो तो आपका पैसा किसी न किसी गरीब किसान के पास जा रहा है, और वो किसान की गरीबी दूर करने में काम आ रहा है। तो आप गुड़ खाओ ताकि पैसा गरीब किसानों के पास सीधा जाए। और गुड़ में फायदा क्या है? गुड़ में सबसे ज्यादा कैल्शियम है जो हमारे शरीर को हड्डियां बनाने में काम आता है। कैल्शियम से हड्डियां बनती है, कैल्शियम से खून बनता है, कैल्शियम से ये मांस बनता है, कैल्शियम से ये पूरा शरीर बनता है। गुड़ में भगवान का दिया हुआ भरपूर कैल्शियम है। गुड़ में और एक दूसरा केमिकल है फास्फोरस। ये कैल्शियम फास्फोरस की मदद से हड्डियों को मजबूत बनाता है, और गुड़ में भरपूर फास्फोरस है। गुड़ में बहुत बड़ी मात्रा में मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, सोडियम है। गुड़ हर तरीके से शरीर के लिए लाभकारी है। तो आप गुड़ खाओ, चीनी घर से हटाओ। चाय पीनी है तो गुड़ की पियो, दूध पीना है गुड़ से पियो, दही खाना है गुड़ का खाओ, हलवा बनाना है तो गुड़ का बनाओ, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाओ, पेड़ा बनाना है, मिठाई बनानी है गुड़ की बनाओ। हर चीज गुड़ से बनती है। और आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका इलाका उड़ीसा बंगाल से लगा हुआ है, और ये उड़ीसा बंगाल में भारत का सबसे बेहतरीन खजूर गुड़ बनता है। उड़ीसा बंगाल में भारत का सबसे बेहतरीन ताड़ गुड़ बनता है, ताड़ के पेड़ से निकले हुए रस से जो गुड़ बनता है। तो आपको खजूर गुड़ भी मिलता है, ताड़ गुड़ भी मिलता है, आपको गन्ने के रस वाला भी गुड़ मिलता है। तो आप तो बहुत भाग्यशाली है, तीनों तरह के गुड़ आपके यहाँ मिलते हैं। तो आप यही गुड़ खाओ, इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और भारत के किसानों को मदद मिलेगी। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, सारे भारतवासी मेरी इस विनम्र अपील को अगर मान लें, चीनी खाना बंद कर दें, तो एक साल में जितने रुपए की चीनी हम खा रहे हैं, इतने ही रुपए का गुड़ खाना शुरू कर दें, तो 15 करोड़ किसानों को हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते हैं। जो गन्ना पैदा कर रहे हैं और गुड़ बनाकर देश को दे रहे हैं। आपको मालूम है ये जो चीनी मिल चलाने वाले बेईमान नेता हैं, ये करते क्या हैं? किसानों से जबरदस्ती गन्ना ले लेते हैं और दो दो तीन तीन साल तक उनको पैसा ही नहीं देते। गन्ना ले लेते, पैसे नहीं देते, पैसे तीन साल बाद, चार साल बाद, पांच साल बाद, बेचारे किसान भटकते रहते हैं। फिर मैं किसानों से कहता हूं कि आप इनको गन्ना देते क्यों हो? तो किसान मुझे कहते हैं कि इन बेईमान नेताओं ने कानून बना रखे हैं कि जिस इलाके में चीनी मिल खुल गई है वहां के आसपास के सारे किसान अपना गन्ना उसी चीनी मिल को देंगे, नहीं तो किसानों को पुलिस पकड़ती है, परेशान करती, लाठी चार्ज भी हो जाता है उनके साथ। और ये सारे चीनी मिलों में
कई कई सालों से किसानों के पेमेंट रुके हुए पड़े हैं। तो आप इन चीनी को खाकर शरीर को खराब मत करिए, किसानों को बर्बाद मत करिए। इसलिए मैंने कहा गुड़ खाइए, अपना शरीर अच्छा बनाइए, भारत के किसानों की भी मदद करिए। एक आखिरी छोटी सी बात मैं आपको याद के लिए कहना चाहता हूँ, आप इसको हमेशा सबको कहिए। आप खाना खाएं और खाने के बाद पीछे से थोड़ा गुड़ जरूर खाएं। ये गुड़ जो है ना खाने को पाचन को जल्दी कराता है, माने खाना जल्दी हजम होता है अगर आप गुड़ खाते हैं तो। आप खाना खाइए लंच या डिनर, दोपहर का या रात का, और पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजिए तो सारा खाना आपका लगभग 4 घंटे में हजम हो जाएगा। वैसे खाने को हजम होने में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन गुड़ खा लिया अगर आपने खाने के पीछे तो वो 4 घंटे में ही हजम होगा। खाना हजम होने का मतलब आप जानते हैं, उसका खून में बदल जाना। जो कुछ भी हम खाते हैं इसी का खून बनता है, तो खाना खाएंगे हजम हुआ, खून में बदल गया, 4 घंटे में ये काम होता है गुड़ की मदद से। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर खाने के बाद आपने 1 चम्मच चीनी खा ली तो ये खाना कभी भी हजम नहीं होगा। पता है क्या होगा, ये 1 चम्मच चीनी खाने को हजम नहीं होने देगी। क्यों नहीं होगा खाना हजम, आप पूछोगे ये प्रश्न। बात ऐसी है कि चीनी जैसे ही हम खाते हैं हमारे पेट का जो जठर एपिगैस्ट्रियम है वो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और जठर अगर एसिडिक हुआ है तो फिर खाना हजम नहीं हो पाता। खाने को हजम होने के लिए जठर को, एपिगैस्ट्रियम को क्षारीय होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए। चीनी खाते ही वो एसिडिक हो जाता है, फिर क्या होता है कि खाना हजम नहीं होता, फिर वो खाना सड़ता है, सड़ा हुआ खाना कोलेस्ट्रॉल में बदलता है और वो कोलेस्ट्रॉल 103 बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए चीनी कभी भी मत खाइए। और आप जैसे ही चीनी छोड़ देंगे आप देखेंगे आपका शरीर बहुत हल्का हो जाएगा। जितने लोगों का वजन बढ़ा हुआ है वो सब अपने आप कम हो जाएगा। जिनके घुटनों में दर्द है चीनी बंद करते ही ये दर्द कम हो जाएगा। जिनका हाई बीपी है बीपी कम होगा, जिनकी शुगर बढ़ी है शुगर कम होगी, हर बीमारी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो चीनी छोड़ें, गुड़ खाएं, ये मेरा निवेदन है। और डायबिटीज के मरीज तो तुरंत करें इस काम को, जो डायबिटीज नहीं है जिनको वो भी करें, ताकि भविष्य में आपको ये बीमारी कभी भी ना हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।